जाओ, वृंदावन जाओ, हर बार आप अपने तरीके से गए हो, इस बार मेरे तरीके से जाना। कैसे जाना है सुन लो, बस जा तो नहीं पाओगे लेकिन फिर भी सुन लो। वृंदावन शतक, उस पर सिग्नेचर है श्री किशोरी जी के कि मेरी प्राप्ति करनी है तो या शतक को अपना लो, वृंदावन शतक। उसका एक भाव है, वृंदावन रहो, बरसाना रहो या ब्रज में जाओ तो कैसे जाओ। भ्रातः तिष्ठ टले टले विटपिना ग्रामेषु भिक्षामट स्वच्छन्दं पिबयामुनं जलमलं चीराणि कंथां कुरु सम्मानं कलयाति घोरगरलं नीच पुमानं सुधा श्री राधा मुरली रवो ब्रज सखे वृंदावन मात्यज। वृंदाव, मैंने एक दिन बताया था वृंदाव कृष्ण का नाम है लेकिन वृंदाव किशोरी जी का नाम भी है, दोनों को ही वृंदाव कहते हैं और वे दोनों जहां तक विचरण करें वो सब वृंदावन। वृंदावन में उपासक को कैसे रहना चाहिए, ठाकुर जी के सखियों को, सहचरियों को, मंजरियों को या जो बनना चाहते हैं उनको कैसे विचरण करना चाहिए। तो भ्रातः तिष्ठ टले टले विटपिनाम ग्रामेषु भिक्षामट। वृंदावन में रहो तो ना तो होटल में पाओ, ना रेस्टोरेंट में खाने जाओ। ये दुनिया भर के जितने भी आजकल वृंदावन में आधुनिक रूप के बन गए हैं इन सब में मत पाओ। तो क्या करो, बोले किसी भी अनजान ब्रजवासी के यहाँ चले जाओ, भीतर मत प्रवेश करना, बाहर ही रहना, केवल उसका दरवाजा खटखटा देना, वो आवे तो उससे बोल देना हम श्री श्यामा जी के दास हैं, श्री किशोरी जी के दास हैं, आप कृपा करके मुकु कछु अपने घर की प्रसादी मुकु दे दो। ग्रामेश भिक्षामट, कितना लेना है, बोले कि जितना अंजलि में आ जाए उतना ले लो, या ब्रजवासी भाव से जितना दे दो उतना ले लो, उसको पाओ। और स्वच्छंदम पिबयामुनम जलमलम, भोजन करो तो ब्रजवासियों के घर का प्रसाद मांग करके पालो, और जल जब पियो तब यामुनम जलमनम श्री यमुना जी का जलपान कर लो। चीराणी कंथाम कुरु, बढ़िया टिप टॉप बनकर के मत रहो, वृंदावन में रहो तुम्हारा ये श्रृंगार ऐसा श्रृंगार ऐसे बढ़िया बन के। एक बात बोलूं, वृंदावन में श्रृंगार करवे को अधिकार केवल दोन को है। आजकल बहुत है क्यों वृंदावन में ऐसा ऐसा श्रृंगार करके लोग घूमे, सखी भाव से घूमेंगे, आंखन में काजल लगाएंगे, होटन में लाली माला लगाएंगे, ये हार पहनेंगे, ऐसे लटके झटके इनते चले, उनसे पूछो का है हम सखी हैं किशोरी जी के, हाँ तो ये तो ही मिली सखी बनावे की, किशोरी ते ज्यादा सिखने अपनो श्रृंगार तो तय न कर रखो है। वृंदावन में रहो तो कैसे रहो, अत्यंत साधारण, ज्यादा टिप टॉप बन के मत रहो, चीराणि कंथाम कुरु, साधारण वस्त्र पहनो, बल्कि यहां तो ये कह रहे हैं कि चीरों को इकट्ठा करके उसका कोई वस्त्र बना के वो धारण करके रहो। चीराणि कंथाम कुरु, और फिर क्या होगा, जब आप ब्रजवासियों के घर का प्रसाद पाओगे, केवल यमुना जल पियोगे, चीर पहन करके रहोगे, तो उसके बाद एक चीज शुरू हो जाएगी वृंदावन में, क्या, सम्मानम कलयाति घोर गरलम, ब्रजवासी आपका सम्मान करने लग जाएंगे, भक्तगण आपका सम्मान करने लग जाएंगे, अरे भाई बहुत बढ़िया रहते हैं, देखो क्या नागपुर से आए फिर भी देखो क्या चीर पहन के रहते हैं, साधारण वस्त्र पहन के रहते हैं, ब्रजवासियों के घर का प्रसाद शीत प्रसाद ही पाते हैं, यमुना जी का ही जल पीते हैं, तो लोग आपका सम्मान करेंगे, आपकी प्रशंसा करेंगे। वृंदावन शतक कहता है वो महाविष के समान है, उससे बचो, सम्मान से बचो,
जितना हो सके उससे दूर रहो। आपको एक बात स्पष्ट कहूं, कोई यदि आपकी सेवा की भी प्रशंसा कर दे ना, उस समय में उनके सन्मुख तो देखो कुछ रूप मत बनाना, कुछ भाव मत रखना, क्योंकि देखो कोई अगर भाव से कह रहा है तो उसको ये नहीं लगना चाहिए कि देखो मेरी बात का कितना अनादर किया, कहीं उठ के चले जाओ या कुछ। लेकिन सुन करके फिर श्यामा जू से जाके क्षमा मांग लेना, हे श्यामा जू मैं तो जानू ना, मैं कछू ना कर पाऊं, ये जो भी मेरी सेवा की प्रशंसा कर रहे हैं, जो भी मेरी कथा की प्रशंसा कर रहे हैं, जो भी मेरे भाव की प्रशंसा कर रहे हैं, इन सवन के प्रशंसा से मैं आपको क्षमा मांगू। सम्मानम कलयाति घोर गरलम, वो विष के समान है, उसको छोड़ दो, उसमें ज्यादा इच्छा मत रखो कि मेरी प्रशंसा बहुत हो। और नीचपमानम क्षुधा, यदि कोई तुम्हें गाली दे दे, तुम्हें ढोंगी पाखंडी कह दे, तुम्हें पागल कह दे, तुम्हारी सेवा की निंदा कर दे या तुम्हारे भाव की निंदा कर दे, तो उसको अमृत के समान समझ करके स्वीकार कर लेना। नीचपमानम क्षुधा। श्री राधा मुरली रवो ब्रज सखे वृंदावनम मात्यज। आहा, ये कुछ नियम हैं, इन नियमों को अपना लो, परंतु वृंदावनम मात्यज, वृंदावन को मत छोड़ो। ऐसे प्रसादी पाओ, ऐसे जल पाओ, ऐसे वस्त्र धारण करो, इस प्रकार से रहो, लेकिन वृंदावनम मात्यज, ऐसा भाव। तो वो संत मथुरा में रहते थे, नामनिष्ठ संत थे, बहुत भजन करते थे, सेवा विवाह में उनकी ज्यादा रुचि नहीं थी। सेवा करना बड़ा मुश्किल काम है, हाँ, पहले खुद उठो, फिर खुद नहाओ, फिर इनको उठाओ, और उठते ही नहाते नहीं है, फिर दूध पियेंगे, हाँ, फिर उसी में लड्डू पालेंगे, और कई कई बार तो नावे तो पहले ही नाश्ता कर लें, सब कर कर आके फिर इनकी इच्छा हो तो इन्हें नहाओ, नहीं तो ऐसे ही तैयार कर दो, बहुत सेवा है। और फिर जल्दी से इनको ही भोग लगाओ, फिर स्वयं पाओ, फिर इनको सुलाए दो, जब ये सो जाए फिर स्वयं सो, हर चीज में पहले इनको निवेदन करना पड़े। तो वे नामनिष्ठ संत थे, नाम में उनकी रुचि। एक दिन वो रोज ब्रजवासियों के यहाँ जाते थे और आटे की भिक्षा लेके आते थे, और आटा ला करके उसमें यमुना जल मिला के उसको गूंद के उसी का टिक्कर बना के पका के बढ़िया प्रेम से ठाकुर जी के नाम रूप को ही स्मरण करके उसका भोग लगा के रूखे आटे की रोटी टिक्कर ही पाते थे, ये उनकी सेवा। और वो भी इसलिए पाते थे ताकि इतना मिल जाए, ताकि जासे मैं भजन कर सकूं। लेकिन वो जिस मैया के यहाँ जाते थे नित्य सेवा के लिए, वहां पर ठाकुर जी को मदन मोहन स्वरूप विराज रहे हो, आज भी हैं मदन मोहन लाल जी। मदन मोहन स्वरूप को भाव आयो कि इन बाबा से सेवा स्वीकार करनी है। और ये लाल जी की बड़ी लीला है, जाए सेवा को ABCD भी ना आवे, वाकई यहां से सेवा ले लें। जैसे कि मैं मौसम बिल्कुल सेवा ना आती, एक समय की बात पर आज बंधुओं संवाद चल रहा है, अब एक आध घंटा में तो जानो ही है, तो फिर अब क्या शुरू करूं, इसलिए बात वार्ता ही कर लें हम। इनकी सेवा मुंह पे आती नहीं, श्रृंगार कैसे होता है मैं जानता ही नहीं था। अच्छा एक बात और, बड़े स्वरूप का श्रृंगार करना बहुत आसान है, हाँ वो दिखता है ना दूर से कि हाँ नेत्र पास हैं, ठाकुर जी कुंडल सुंदर लग रहे हैं, और उसमें पूरे हाथ चलते हैं, इनके सेवा में उंगली चलती है, और यहां से यूं ऐसे, अब कैसे हो सेवा, खुद ही करवाइए। ऐसे ही वो बाबा पे मन आ गयो, भिक्षा लेवे के लिए आए, सो मैया ने आटे की भिक्षा दे दी, बाबा जैसी चले गए, सो रात्रि में मैया के स्वप्न में ठाकुर जी प्रकट है गए, रोन लगे। मैया बोली, लाल जी कहा भयो, मैंने सेवा में कोई अपराध कियो? बोले ना मैया, मैं बड़ो प्रसन्न हूँ आपकी सेवा सो, लेकिन मेरो मन है रहो, कहा वो जो बाबा रोज भिक्षा लेवे आवे ना, मुकू उनसे सेवा लेनी है। मैया बोली, तो आज्ञा करो। बोले आज्ञा यही है, कल वो आमे तो उनको भिक्षा के रूप में मुँह दे दी, मैं उनके संग चलो जाऊं। मैया बहुत रोई, मेरी सेवा में कोई कमी? लाल जी बोले, मैया तेरी सेवा पूर्ण है गई, मैं तो नित्य रहूंगा,
तू तो कल चली जाएगी, मैं तो नित्य विराजे वा रहा हूं, मैं अपनी आगे की व्यवस्था कर रहा हूं, तो को तो कछु दना में चलो जानो है, मैं कहां सेवा करवाऊंगा अपनी, तो मुकू बाबा को दे दे। मैया बोली मेरो तो मन न माने, आप मेरे हृदय हैं। बोले प्रभु आप कृपा करो मुकू उन्हीं को दे दो। दूसरे दिना बाबा जैसे पधारे, मैया रोती रोती गई, बाबा तुमने कहा कर दियो कोई टोना टोटका कियो। बोले कहा मैंने कहा कियो मैया, अरे मेरो लाला रो रो है, रात भर रोयो कि मुकू बाबा के पास जानो, उनके पास ही रहूंगो, उनसे सेवा लूंगो। मैया कहाँ है ठाकुर जी? बोले भीतर विराज रहे हैं ठाकुर जी। बोले आप रात्रि सपने में आज ठाकुर जी आवे तो कह दियो, मुंह पे सेवा विवा ना आवे और ना मुंह पे जगह ने बिठावे की सुलावे की खिलावे की, मुंह पे कछु ना है। भोजन के नाम पे केवल या सूखे आटे में यमुना जल मिला के वही की टक्कर बना के पाऊं मैं, अगर इनको स्वीकार हो मेरी कुटिया में नेक सी सी जगह बा में बैठनो स्वीकार हो, न सेन सही आए कछू ना है मेरे पास, ये सब व्यवस्थाएं मेरी हैं, यदि इनको स्वीकार हो तो ले जाऊंगा, नहीं तो मैं अपनो नाम जप में ही प्रवृत्त रहूंगा। मैया ने कही हाँ तुमने बढ़िया बताई, बढ़िया मैं बता दूंगी, बहुत बुरी व्यवस्था है, मना कर दू मत जा। रात्रि में ठाकुर जी प्रकट हुए, मैया तेने दियो नहीं। बोला अरे बाकिया कछु व्यवस्था ना है, छोटी सी कुटिया में रे भोजन पानी कछु करे ना है, तुम्हें कछु खवावेगो ना, तुम्हें आठ आठ बार भोजन करनो दिन में। कल हमारी समधन कह रही है इतने बड़े बड़े उनके सामने श्रीनाथ जी के सामने वो आमे मोहन थार सागर और एकाद नाम है भर भर के आमे। गोवर्धन पूजा पे तो नियम है जब तक ठाकुर जी की नाभि ना ढक जाए इतना ऊंचा ऊंचा भोग लगाओ ठाकुर जी के आगे, कितनो खावे फिर या को पेट ना भरे, आठ आठ बार पावे दिन में, खावे को बड़ो प्रेम। बोली तुम इतना खाओ बाबा किस खवावे को? बोले मैया चाहे कछु नहीं खवावे, चाहे मुंह को एक कोने में रखे, मुंह को नहावे धुआवे ना, लेकिन मुंह को वा से सेवा चाहिए, वा की सेवा में सुख मिले। मैया बोली तुम्हें जानो है तो तुम कैसे जाओगे? दूसरे दिन बाबा आए, बाबा इन्हें कोई व्यवस्था ना चाहिए कछु ना चाहिए, यूं कह रहे जैसे बाबा रखेगा वैसे रह लूंगा लेकिन रहूंगा उन्हीं के पास। बाबा बोले ठीक है लाओ दे। ठाकुर जी आए तो ठाकुर जी को लेकर के अपनी कुटिया में लाए, एक कोने में नेक हल्प को पत्रों से कपड़ा बिछा के अब ठाकुर जी को विराजमान कर दियो। अब बाबा को तो रोज को 20-21 घंटा को नियम नाम जप को, बाबा अपनो नाम जप करे, ठाकुर जी बैठे कोने में बड़े मस्त आनंद है रोहन है, लेकिन 10-12 घंटा तक तो भूख रोक ली ठाकुर जी ने। बाकी बात देखी भाई बहुत तगड़ो भजन है, 22 घंटा 20 घंटा बैठ के कुछ खावे ही ना है। 20 घंटा बाद भजन करवे के बाद उनको ने थोड़ी नींद आई तो थोड़े सो गए, सोवे के बाद में उठे स्नान ध्यान करके भिक्षा में आटो लेकर के आए, वहां में यमुना जल मिला करके वह आटे को गूंद करके टिक्कर बनाने लगे, कोने में बैठे ठाकुर जी के मुंह में पानी आ गो, हाँ भैया तू कछु दे, तू साधारण रोटी दे कछु कबाब। ठाकुर जी के सन्मुख एक पत्तल लगा करके वापस सूखी रोटी केवल जो वो बनाते ठाकुर जी के सन्मुख पधरा दी। जैसे ही ठाकुर जी के सन्मुख पधराई है ठाकुर जी ने प्रेम से पाए हो, प्रेम से पावे के बाद में ठाकुर जी बाबा ने अपनो भोजन कियो, भोजन आदि करके बाबा फिर से भजन में बैठ गए। जैसे ही भजन में बैठे तो 5-10 घंटा बाद ठाकुर जी प्रकट भए और प्रकट होकर के वाके हृदय में कहने लगे, बाबा मुको तुम्हारी सेवा में खूब आनंद आ रहा हो, तुम्हारी कुटिया में खूब सुख मिल रहा हो, सब बहुत सुखी है रहूं मैं, लेकिन बाबा मैं बस इतनो निवेदन कर रहा हूं कि आप आटो तो लेके आ हुई हो, नेक नमक और ले आया करो, वह आटे में नेक नमक डाल दोगे तो नेक तो स्वाद आवेगो। अच्छा तो कल से मैं आटो उलाऊ नमक उलाऊ? बोले हाँ भाई इतना कर लो, या तो ज्यादा हमें नहीं चाहिए सेवा में, बस इतना कर लो। बाबा बोले ठीक है। अब सब के यहाँ गए आटो लेवे के काजे तो बोले कि नहीं नमक और दे। बोले बाबा जीव में चटोरोपन आने लगो। बोले हमने हमारे ना आयो एक आ गयो चटोरो घर पे, वाके काजे चाहिए। लाए आटो लेके वहां में बढ़िया नमक वमक मिला करके सुंदर वाकी
टिक्कर बना के ठाकुर जी के सामने जैसे पधरायो, प्रेम से ठाकुर जी ने पायो। पाने के बाद में बाबा अपना भजन करवे बैठ गए। दो चार दिन ठाकुर जी कुछ नहीं बोले, दो चार दिन तक बाबा यही नमक रोटी खवावे। चार दिन बाद ठाकुर जी फिर से आ गए, बाबा अब का भयो? बाबा सब ठीक है, मैं एक आलू और लिया है करो। वह आलू को उबाल के या फिर भून के वहां में बढ़िया नमक डाल के ने एक चटनी सी है जाए तो ने रोटी निगलवे में ने सुख मिलेगो। तुम तो केवल रोटी आटे की बढ़िया वहां में आटे और नमक की रोटी खवाए तो बात कहां सुख मिले। बोले हम तो पहले ही कह रहे थे हमारे यहाँ कुछ नहीं। बोले बाबा यहाँ में कुछ और करनो, थोड़ी एक आलू लिया बस, तुम मत खाइयो मुंह खवाए दे करो। बाबा बोले ठीक है। दूसरे दिन गए तो फिर भिक्षा में आटो भी लाए, नमक भी लाए, आलू भी लाए। भून के आलू बाबा ने बढ़िया वाकू मीण करके चटनी बनाई और ठाकुर जी के सन्मुख पधराई। ठाकुर जी प्रेम से भाई दो चार दिन कुछ नहीं बोले, बढ़िया आनंद आया। अब दो चार दिन बाद ठाकुर जी फिर से प्रकट भए। बाबा बोले अब का है गो? बोले अब रोटी भी बढ़िया है, चटनी भी ठीक है, बाबा कोई दिक्कत ना है, बस एक निवेदन हो। कहा सूखी रोटी ना निगलवे में गले में इर्ज जाए तो ने घी चपड़ दे करो। कल सेवा में जाओ तो देख एक कटोरी घी ली आई हूं। बाबा बोलो मुझ दिख रहे हैं तुम्हारे लक्षण कायते जा रहे हैं। बोले बाबा और इसके बाद मैं कुछ नहीं कहूंगा, तुम घी और लिया बस। दूसरे दिन बाबा घी भी लिया है। अब रोटी बने, आलू की चटनी बने और उनमें घी डले। ठाकुर जी प्रेम से 10-15 दिन कछु नहीं बोले। एक दिन ठाकुर जी फिर प्रकट भए। जैसे ही प्रकट भए बाबा ने अपनी माला छोड़ी, ठाकुर जी उठाए वो मैया के यहाँ ले गए। ले धल्ले आए, बार बार आ जाए और आके कभी यो लिया, कभी आ लिया, कभी वाय लिया, मुंह पे ना होगी मेरो नाम छूटतो जा रो है। जैसे ही ठाकुर जी बाबा मैया को देने लगे, ठाकुर जी दौड़ करके बाबा के गले से लिपट गए। बाबा तुम जैसे रखोगे रहूंगा, लेकिन रहूंगा तुम्हारे पास, अब ना जाऊंगा कहीं। कैसे कृपालु हैं, कैसे दयालु हैं नाथ, हमारी कैसी भी सेवा हो वो हम पर कृपा है ठाकुर जी की। धीरे धीरे हम सेवा में बढ़ोतरी करें, धीरे धीरे सेवा में कछु सुंदर प्रदान करें, लालजी बा को स्वीकार करें, लेकिन फिर भी हम कैसी भी कर दें ठाकुर जी कभी कुछ शिकायत ना करें। और ये ऐसे ही हमको होना चाहिए। जब लालजी ने हमसे कछु नहीं कही कभी, लालजी ने हमारी व्यवस्था में हमारी सेवा में कभी कोई कमी नहीं निकाली, तो हम ठाकुर जी के दिए गए या सुंदर जीवन में क्यों कोसते रहे, क्यों कमी निकालते रहे? आपने ऐसो कर दियो, वैसो कर दियो। कोसनो खुद को कोस लो, कोसनो अपने क्रियान को कोस लो, लेकिन ठाकुर जी से कुछ मत कहो। ठाकुर जी ने तो सब प्रेम से प्रदान किया है। सूरदास जी कहते हैं बिन गोपाल को नहीं अपनो, गाइए बिन गोपाल को नहीं अपनो, बिन गोपाल तनु तरवर के
पंछे उड़ जई है जादन मन पंछी उड़ जई है। अभी तक या पद को मैं एक भाव करतो आयो, मन पंछी उड़ जइए को मैं भाव ऐसा रखता हूँ कि जिस दिन हमारी आत्मा हमसे निकल जाएगी या हमारे देह का परित्याग कर देगी, तादिन तेरे तन तरु वर के सवई पात झड़ जई हैं। ये तन रूपी जो वृक्ष तुम्हारा है इसके सवई पात, पात माने इच्छाएं। वैसे तो तन रूपी वृक्ष के पत्ते झड़ जाएंगे, लेकिन सूरदास जी कहना चाह रहे हैं कि जा दिन तेरों मन पंछी उड़ जाएगो। पहले मैं भाव ऐसा करता था कि प्राण निकल जाएंगे, लेकिन अब ऐसा भाव आ रहा है कि जादना तेरे मन रूपी पक्षी को श्री किशोरी जी अपने पिंजरा में बंद कर लेंगी, जादना वाकु स्वीकार कर लेंगी, वो मन श्री लाल जी के चरणन को शरणागत है जाएगो। तादिन तेरे तन तरु वर के सवई पात, मतलब समस्त इच्छाएं झड़ जाई हैं। फिर कछु ना सुहावे गो, फिर तो ये बिन गोपाल को नहीं अपनो। श्रीमद भागवत में सबसे पहली स्तुति है श्री कुंती जी की, और वो कुंती की स्तुति में एक बात ऐसी है, केवल एक शब्द ऐसा है जिस शब्द की वजह से 18,000 श्लोकों में सर्वश्रेष्ठ श्लोक वही माना जाता है जो कुंती ने गाया है। और वो शब्द ही सुन लो केवल क्या है, वो कह रही है त्वयैव नाथेन मुह विपद्गणा, त्वयैव नाथेन। श्री श्यामा जी को, ठाकुर जी को सबसे ज्यादा कष्ट कब होता है, जब उनका सेवक, उनका अर्चक, उनका दास जब यूं कहे कि मैं तो अनाथ हूं, मेरा कोई ना है, तब किशोरी जी ठाकुर जी को सबसे ज्यादा बुरा लगे। यानी ये बात कह कैसे दई, जब हम बैठे हैं आके माथे तो फिर यूं क्यों कह रहे हो कि मेरा कोई ना है। यूं कह तो हाँ, संसार में मेरा कोई नहीं है, यदि कोई है तो केवल श्यामा जी मेरी हैं, केवल ठाकुर जी मेरे हैं, बिन गोपाल को नहीं अपनो। श्री कुंती जी कहती हैं त्वयैव नाथेन, हम सब कहते हैं तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे भगवान। लेकिन कुंती क्या कहती है, इस संसार में आप ही केवल मेरे हो। हम कहते तुम्हें लाल जी हमारे हैं, लेकिन ये कौन है, बोले ये मेरी पत्नी है, ये कौन है, ये मेरी बेटी है, ये कौन है, ये मेरे सब परिवार के लोग हैं, इनको भी तो तुमने मेरे की उपाधि दी रखी है। ठाकुर जी कहते हैं जब ये सब तुम्हारे हैं तो फिर मैं तुम्हारो, इतने सारे लोगों ने एक हृदय में कैसे रखोगे। प्रेम गली अति सांकरी तामे दो ना समाए, एक ही आमेंगे। लाल जी हृदय में आमे क्यों ना, वो पहले ही झांक ले, अच्छा ओ भाई इतने सारे भर रखे हैं आने, उन्हें एक सीसी गली में भिज गए हैं सबरे, पहले सबन को निकार।